हाय एवरीवन, वेल आप सारी लेडीज को मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि आपको कोई ऐसी पैंटी मिले जो कि आपको पीरियड के टाइम में बिना पैड के, बिना टैम्पोन्स के, बिना मेंस्ट्रुअल कप के आप यूज कर सकते हैं? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। जब इस कंपनी ने मुझे अप्रोच किया, मुझे सही में विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कोई डायपर जैसी चीज आएगी, कोई डायपर जैसी पैडिंग होती है जो कि डिस्पोजेबल पैंटीज हम लोग हॉस्पिटल में यूज करते हैं, डिस्पोजेबल पैड्स होते हैं, पैड्स हमेशा डिस्पोजेबल रहते हैं, बट बहुत सारी पैंटीज के अंदर इनबिल्ट पैड्स होते हैं जो डायपर की तरह पहनो उसके बाद फेंक दो। मुझे लगा ऐसा कुछ आएगा, बट आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आया है। अब ये प्रोडक्ट देखो, इसमें कोई पैडिंग भी नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉटन पैंटी, हल्का सा थिक है यहाँ पर, हल्का सा। इसको बाद में काट के देखेंगे इसके अंदर क्या है, ठीक है? तो बेसिकली दे क्लेम कि ये 5 पैड्स जितना ब्लड एब्जॉर्ब कर सकती है, 5 सैनिटरी पैड्स, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा पीरियड, क्योंकि बहुत सारी लेडीज 3-4 दिन में फ्री हो जाती है, टोटल 5 या 6 सैनिटरी पैड्स यूज करती है। हैवी फ्लो वाले दिन भी आप पूरे दिन में 3 से ज्यादा पैड यूज नहीं करोगे, तो मतलब 24 आवर्स तो ये आराम से पैंटी चलेगी। इसमें कोई वेटनेस नहीं है, बिल्कुल भी गीलापन नहीं होता है, ऐसा इनका क्लेम है। अब मेरे को ऑब्वियसली इसको प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए मैंने अपनी डॉटर को चुना। मैंने सोचा मैं उसको देती हूँ, क्योंकि अभी इस एज में फुल फ्लो में कितना प्रॉब्लम होता है और ये कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज स्कूल भी जाते हैं, खेलते कूदते हुए, तो मुझे लगा दैट विल बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पेशेंट्स को देने से पहले एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था, ठीक है? तो इनके जो प्रोडक्ट का क्लेम है वो ये है कि बिल्कुल वेटनेस नहीं रहता है इसमें, आप इसको आराम से 8-10 घंटे लगाओ, हालांकि 5 पैड जितना ब्लड ये सोक करता है, और उसके बाद इसको सिंपली वॉश करना है और वापस पहनना है, और 2 साल तक इसको यूज कर सकते हैं। वेल, इसमें कहीं भी कुछ भी पैडिंग नहीं है, और ना ये स्मेल करता है, ना ये रैशेस करता है। सो लेट अस सी मेरी डॉटर नताशा, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, हम उसकी जबानी उससे पूछते हैं उसने इसको कैसे यूज किया। सो ओवर टू यू नताशा। हाय एवरीवन, मेरा नाम नताशा परिहार है, मैं डॉक्टर सोनल की बेटी हूँ। सो मम्मी ने मुझे एक अमेजिंग पैंटी दी थी यूज करने के लिए फॉर पीरियड्स, और जो कि बहुत अमेजिंग थी, आई वुड एग्री, बट बहुत बहुत स्केरी थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी एंड जस्ट इसमें कोई पैड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल कॉटन पैंटी। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं अपने पीरियड्स के सेकेंड डे लगाऊँ, जो सैटरडे था और जिस दिन मेरा स्कूल भी ऑफ था। तो मैंने वो यूज़ किया एंड ऑफकोर्स मैं स्केयर थी वो यूज़ करने के लिए, बट ऑल्सो आई वॉज विलिंग टू ट्राई इट एक बार। तो मैंने यूज़ किया और कुछ टाइम बाद, हालांकि मुझे जब भी लग रहा था कि कुछ फ्लो हो रहा है वजाइना से, या फिर या एक एक घंटे से मैं चेक कर रही थी बार बार पैंटी को देख के, बट देर वॉज लिटरली नो वेटनेस, और ना तो स्मेल थी, ना वेटनेस थी, और ना ही मतलब कोई कुछ भी दिख रहा था, इट वॉज अ नॉर्मल प्लेन पैंटी फिर भी। और उसके बाद फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मैं कितने टाइम तक लगा के बैठूँ, तो उन्होंने बोला कि 8 घंटे तक रखना है एंड देन यू कैन वॉश इट, यू कैन चेंज इट। बट मुझे कोई दिखा ही नहीं, कुछ दिखा ही नहीं उसमें, तो मुझे सिर्फ साफ लगा, तो मैं रात में पहन के सो गई उसको। एंड फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स, मम्मी ने, मैं जहाँ सो रही थी वहाँ पर प्लास्टिक शीट्स लगा दी, जो मम्मी हॉस्पिटल में डिलीवरी पेशेंट्स के लिए यूज़ करती है। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर मैं वो लगा के सो गई, बट अगले दिन मैं उठी, आई चेक माई पैंटी, आई चेक द बेड शीट और द प्लास्टिक शीट, कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था, एंड नो वेटनेस, नो रैश, एनी थिंग, एकदम सिंपल नॉर्मल पैंटी की तरह ही था वो, मुझे कुछ फील भी नहीं हो रहा था वेटनेस भी। तो क्योंकि संडे था और मैं रात भर उसको लगा के सो गई थी, आई हैड टू ऑब्वियसली वॉश इट। तो मम्मी ने जैसे बताया था, मैंने उसको वॉश किया, मैंने रनिंग वाटर के नीचे रख दिया एंड आई कुड सी द ब्लड कमिंग आउट ऑफ इट, एंड देन मैंने उसको ड्राई करने के लिए टंगा दिया, सुखा दिया। एंड क्योंकि मम्मी ने एक ही पैंटी ऑर्डर करी थी, तो मुझे संडे को तो वो यूज़ करने का चांस नहीं मिला, तो मैंने पैड नॉर्मली यूज़ किया। और नेक्स्ट डे क्योंकि मंडे था और मेरी स्कूल ड्रेस, मेरी स्कूल है एंड स्कूल ड्रेस मेरी वाइट है, तो मैंने फिर भी एक बार रिस्क लिया, खैर रिस्क तो नहीं क्योंकि मैं एक बार ट्राई कर चुकी थी, बट लाइक स्टिल एक बार एक काइंड ऑफ करेज का काम था वो। तो मैं स्कूल गई वाइट ड्रेस में, वो सिर्फ पैंटी लगा के, नो पैड, नो नथिंग, बट मैंने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अपने बैग में पैड एंड एक्स्ट्रा पैंटी रख ली थी, जस्ट इन केस कुछ स्टेनिंग हो या कुछ भी बाय चांस कुछ हो जाए। तो बस फिर मैं स्कूल गई एंड देयर वाज लिटरली नथिंग अगेन, मुझे क्योंकि एंड मैं स्कूल इसलिए गई क्योंकि सेकेंड डे उसने इतना अच्छा सोक कर लिया, तो दैट वॉज माई फोर्थ डे तो अच्छे से सोक कर ही लेगा। तो अगेन देर वॉज नो वेटनेस, देर वॉज नो रैश, देर वॉज नो स्मेल, देर वॉज नथिंग बट अ क्लीन पैंटी। सो गाइज, इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है ये कि पीरियड्स होने के बावजूद भी कुछ फील भी नहीं हो रहा है, इतना लाइट फील हो रहा है। एंड मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बताया,
they were also surprised कि ऐसा भी कुछ आ गया है क्या. So I said हाँ, and then I told my experience जो मैंने आप लोगों से share किया, and then yes, I'm really really thankful to Go Pad Free Panty for making such an amazing product. And trust me, मैं मम्मी को बोल के और order करने वाली हूँ, and I will use it instead of pads every time. So देखा आपने guys, बच्चों पे use किया और obviously दो तीन दिन जो इनके heavy periods वाले day होते हैं इसमें भी इन्होंने use किया and she was very happy. तो अब मैं इसको recommend कर सकती हूँ आपको भी, अपने patients को भी. Definitely बहुत money saving product है, क्योंकि ये खुद अगर आप देखें Amazon पे इसको order करें तो ये अलग अलग colors में available है. दो colors available है इसके, तीन sizes में है, medium है, small है, large है और शायद XL भी है. और बहुत ही premium soft quality cotton है, कोई rashes नहीं होते. कंपनी क्लेम करती है कि 2 साल तक आप इसको धो धो के यूज कर सकते हैं. 2 साल यानी कि 24 months, यानी कि 24 महीने तक आपको पीरियड आया और आपने इसको यूज किया, तो आप 2-3 एक साथ मंगा सकते हैं. इसकी कॉस्ट अगर आप अभी चेक करेंगे तो करीब 1000 रुपए की है. तो अगर 1000 रुपए में आपको 2 साल तक एक पैंटी यूज करने को मिल रही है तो आप सोचिए कितना पैसा बचा रहे हैं. कोई सैनिटरी पैड नहीं, कोई टैम्पोन नहीं, कोई मेंस्ट्रुअल कप नहीं. मैंने आपको कई बार सैनिटरी पैड्स के फायदे बताए हैं, क्योंकि बहुत से लोग इंडिया में अभी भी गंदा कपड़ा लगाते हैं. मैंने कई बार मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताया, बट अगेन मेंस्ट्रुअल कप और इसमें थोड़ा फर्क है. ये एक नॉर्मल पैंटी है, मेंस्ट्रुअल कप को अंदर इंसर्ट करने में दिक्कत होती है, इसको इंसर्ट भी नहीं करना है. ठीक है, अब इसको यूज करने का तरीका कुछ तो नताशा ने बता दिया. इसको बेसिकली आपको इसी तरह से फोल्ड करके रखना है. धोने के लिए आप इसको सोक ना करें, पानी में सोक ना करें, आप इसको रनिंग वाटर में धो दें. जो टैप चल रहा है उसमें रनिंग वाटर में, कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी में धोए, जो नल का पानी है. गर्म पानी में भिगोने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसका जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है वो खराब हो सकता है. ठीक है, इसको सोक ना करें, इसको रनिंग वाटर में डाल दिया, उसके बाद इसको डिटर्जेंट और डिटॉल से थोड़ा सा धो दिया आपकी खुद की क्लीनलीनेस के लिए. अच्छा, अगर आप इस वीडियो में, इसके प्रोडक्ट की वीडियो में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पानी नहीं सोक करता है इसका जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, ब्लड सोक कर लेता है, पानी नहीं सोक कर पाता है. तो जब भी आप इसको पहने आपकी स्किन पूरी ड्राई होनी चाहिए, एकदम टिश्यू पेपर से उसको ड्राई कर लें. अब जैसा कि आपको बताया नताशा ने, इसको 8-10 घंटे में चेंज करना होता है, बट जरूरी नहीं है, आपके फ्लो पे डिपेंड करता है आपको कैसा फील हो रहा है. मेरी डॉटर ने तो उसको पूरे दिन, एक दिन एक रात 24 घंटे लगा के रखा जबकि उसको फुल फ्लो आ रहा था, क्योंकि उसको कुछ फील नहीं हुआ, कोई भी लीकिंग, कोई गंदगी, कोई वेटनेस, कुछ भी फील नहीं हुआ. तो इट्स अप टू यू, बट कंपनी का क्लेम है 8 घंटे में चेंज करें, 2 साल के बाद इसको डिस्कार्ड कर दें. और इसको आप तब भी यूज कर सकते हैं जब आपके सरप्राइज डेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10th का पीरियड आने वाला है, आपको पता नहीं 10th को आएगा 8th को आएगा, 2-3 दिन पहले से पैंटी ये वाली यूज करना शुरू कर दो, नॉर्मल पैंटी हटा दो क्योंकि वो गंदी हो जाएंगी. तो मान लो इसमें पीरियड आ भी गया तो आपको पता है कि बिल्कुल सेफ है ना, स्टेनिंग होगी, इसको वॉश भी कर सकते हैं, राइट. या फिर जब पीरियड खत्म हो गया, लास्ट के 2-3 दिन जब वो आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज आता है, आपको बार बार पैड या पैंटी लाइनर यूज करना पड़ता है, फिर रैशेज हो जाते हैं, आप इसको यूज करो. तो इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट, मेरे को भी बहुत ही अनबिलीवेबल लगा था जब ये आया था मेरे पास. यूज करने के बाद नताशा ने यूज किया तो उसके बाद मुझे अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं इसको पेशेंट्स को रिकमेंड करूं, और डेफिनेटली हॉस्पिटल के सप्लाई में मैं इसको रखने वाली हूं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में रूरल पॉपुलेशन काफी आती है और रूरल एरियाज में पैंटी पहनने का बहुत ज्यादा एक फैशन नहीं है, क्योंकि उनको पैंटीज या तो अवेलेबल नहीं होती है या फिर वो पहनना पसंद नहीं करते. तो ये मुझे बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लगा है, मैं इसको रिकमेंड करूंगी. एंड थैंक यू हेल्थ फैब गो पैड फ्री पैंटी, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, इट इज रियली रियली वेरी हेल्पफुल, वेरी इकोनॉमिकल, और ये एक मेडिकल बून है, एक हम लोगों के लिए, लेडीज के लिए एक बहुत अच्छी गिफ्ट है कि हम इसको लाइफ टाइम यूज कर सके और अपने आप को हाइजीनिक भी रख सके और पैसा भी बचा सके. तो वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिए. इसको खरीदने का लिंक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन